भाजपा की एक और कमेटी का हो सकता है विस्तार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित ये लोग हो सकते हैं शामिल। मात्र 5 साल में वंदा ने बदल डाली स्कूल की तस्वीर, 4 गुना हुई विद्यार्थियों की संख्या। सजा के डर से हत्यारोपी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम। फेफड़ों के साथ दिल भी मजबूत कर रहा शंख, कार्डियोलॉजी में आजमाया जा रहा ये नुस्खा, ये फायदे भी जानिए। बीएड परीक्षा स्थगित, प्रवेश पत्र तक अपलोड नहीं कर पाया विश्वविद्यालय, केंद्रों पर तैयारियों में अधूरी। पुलिस को चकमा देकर बंदी फरार, व्हीलचेयर पर बैठकर जा रहा था वॉशरूम, नजर हटते ही लगा दी दौड़। महिला दरोगा पर हमला, जमीन के विवाद में चाकू से किया था हमला, आरोपी का अब तक सुराग नहीं, पढ़े पूरा मामला। पुलिस से बेटा बोला पिता ने मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, ये बात भी बताई। नहीं मिल रही मनपसंद बोतल, मैं खाने से मायूस, लौट रहे शराब के शौकीन, बोल रहे बड़ी महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी। 10 तस्वीरों में कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेसियों ने महंगाई का किया विरोध, तले पकौड़े और जूते किए पॉलिश। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से है। नगर के नानामऊ मार्ग तिराहे पर अचानक बाइक में आग लग गई। यह देखकर चालक जलती बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दुकानदारों ने बाइक पर पानी फेंक कर आग बुझाने की कोशिश की, फिर भी बाइक धू धू कर जलती रही। इस दौरान हरदोई उन्नाव मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर मजगवा निवासी हरिभान पुत्र शिव मंगल अपने बड़े भाई कल्लू के साथ बाइक से आज दोपहर यहां आया था। शिव मंगल के अनुसार बाइक का इंजन बेहद गर्म हो रहा था, जिसे कारीगर को दिखाना था, लेकिन नगर के नानामऊ मार्ग तिराहे पर पहुंचते ही अचानक बाइक से तेज धुआं और आग की लपटें उठने लगी। यह देखकर शिव मंगल बाइक सड़क पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पल भर में ही आग की ऊंची लपटों के साथ बाइक धू धू कर जलने लगी। नानामऊ मार्ग तिराहे के दुकानदारों ने जलती बाइक पर पानी फेंक कर आग बुझाने का प्रयास किया और घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जलती बाइक पर पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। बाइक जलने के दौरान मुख्य मार्ग उन्नाव हरदोई रोड के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के बाद बाइक को फुटपाथ पर खड़ी कर आवागमन बहाल कराया। उन्नाव से जमीर खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर बांगरमऊ उन्नाव से। भगवान भाव का भूखा है, भक्त यदि चाहे तो अपने भाव से भगवान को वश में कर सकता है। सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त को भगवान प्राप्ति अवश्य होती है। नगर के शांति निकेतन गेस्ट हाउस में आयोजित श्री गणेश महोत्सव में प्रवचन करते हुए आचार्य पंडित सतीश शास्त्री ने कहा कि जब आपकी दिशा ठीक होगी तो दशा भी ठीक होगी। इसी तरह जब आपका लक्ष्य सही होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। मानव के कर्म अच्छे होने चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों को लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। इसी क्रम में नगर के खत्रियाना स्थित महिला मंडल में चल रहे श्री गणेश महोत्सव में वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित प्रेम मूर्ति प्रदीप ने कहा कि नींव मजबूत होगी तभी इमारत भी मजबूत होगी। मन पर काबू पा लेने और भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नगर के मोहल्ला चौगड़ा में छोटे कैटर्स के यहाँ पर पंडित कृष्ण कुमार मिश्र ने उपदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति करके ही मनुष्य भव सागर से पार पाना संभव है। नगर के अस्पताल रोड पर अवधेश तूफानी के यहाँ व गुलाम मुस्तफा स्थित फूलमती मंदिर सहित विभिन्न स्थानों पर विराजमान प्रथम पूज्य श्री गणेश का विधिवत पूजन अर्चन हुआ। भाजपा नेता पुनीत गुप्ता, रामजी गुप्ता व बाला राव गुप्ता के द्वारा सभी जगहों पर
दर्शन पूजन व प्रसाद का वितरण कराया गया। ज्यो-ज्यो समापन की तिथि नजदीक आ रही है, प्रायः सभी पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी महोत्सव पंडालों में आगामी मंगलवार 6 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जमीर खान की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं RPS समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बिजनौर, 235 करोड़ की परियोजनाओं का बिजनौर की जनता को दी सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है। इसी के चलते लगभग कल 4:15 के करीब योगी आदित्यनाथ महात्मा विदुर की धरती पर बिजनौर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर मालन नदी का किया निरीक्षण, साथ ही तट पर पौधारोपण किया और मालन नदी के तट पर बनी नव निर्मित पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित किया। लगभग 235 करोड़ की परियोजनाओं का बिजनौर की जनता को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने सुशासन, प्रगति और विकास की बात कही। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करते रहे। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं RPS समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अग्निवीर बनने के लिए अंकित शुक्ला पूरे दमखम से तैयारियों में जुटे। सेना में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जहां एक ओर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं जिले के युवा मसीहा बनकर अंकित शुक्ला धर्मवीर बनने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने सेना में अग्निवीर बनने के लिए जोरों से तैयारियां भी शुरू कर दी है। अंकित शुक्ला ने बताया कि सेना RO मुख्यालय लखनऊ की भर्ती 20 अक्टूबर 2022 से 10 नवंबर 2022 उत्तर प्रदेश अग्निवीर सेना भर्ती रैली औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा और उन्नाव शामिल है। संचालक अंकित शुक्ला ने बताया कि एकेडमी स्टेडियम के अलावा गांव में भी सड़क पर लगा रहे दौड़। 20 अक्टूबर को लखनऊ ARO के फतेहपुर में दौड़ेंगे देश सेवा का जज्बा लिए युवा अग्निवीर बनने को बेताब हैं। यही कारण है कि आजकल कस्बे से लेकर गांव तक युवा दौड़ लगाते हुए तैयारियों में जुटे हुए हैं। मालूम हुआ कि अंकित शुक्ला के अध्यक्षता में जो छात्र सड़क पर दौड़ रहे हैं, उन्हें वो अपने ग्राउंड में निशुल्क शारीरिक परीक्षण कराएंगे। ये लोग 20 अक्टूबर को लखनऊ RO की भर्ती जिले के फतेहपुर में अग्निवीर भर्ती में दौड़ लगाएंगे। अंकित शुक्ला के नेतृत्व में कानपुर लखनऊ रोड स्थित GGIC स्टेडियम में कई सैकड़ों युवा दौड़ की तैयारियों में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। ट्रेनर अंकित शुक्ला ने बताया कि तकरीबन 100 युवा अग्निवीर की तैयारी करने स्टेडियम पहुंच रहे हैं। उन्हें दौड़ के साथ ही शारीरिक दक्षता की ट्रेनिंग दी जा रही है। सचिन, शिवम, सुमित, राहुल, अनीस, नगरेश, विकास, अभिषेक मिश्रा आदि का कहना है कि सेना में भर्ती होने के लिए हम सभी अग्निवीर सड़क पर तैयारी कर रहे थे। हमारे लिए मसीहा बने अंकित शुक्ला, हम सब छात्रों को निःशुल्क तैयार कर रहे हैं। देश सेवा करने का उनका सपना है। अग्निवीर की भर्ती निकली है, पूरी कोशिश करेंगे कि परीक्षा पास करके देश की सेवा में जाएं। नाव से ललित कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।
नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में मनाया गया व्यापारी दिवस समारोह। समाज में उद्योग और व्यापार का अपना एक अलग महत्व है। समाज के अधिकतर लोग छोटे मोटे उद्योग और व्यापार लगाकर अपना अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। साथ ही अगर उससे कुछ समय अलग बचता है तो वो समाज सेवा कार्यों में लगाया जाता है ताकि समाज में व्यक्ति की एक अलग पहचान बने। कल 3 सितंबर का समय व्यापार एवं उद्योग का विशेष दिवस पूरे प्रदेश में मनाया गया। इसी क्रम में गोरखपुर के वैष्णवी लोन में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल एवं गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारिक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी का भी आगमन होना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री महेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री विनय कुमार सिंह, एडीएम सिटी पुष्प दंत जैन उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड, अंजू चौधरी उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग, राजेश गुप्ता अध्यक्ष महानगर भारतीय जनता पार्टी, भोला अग्रहरी क्षेत्रीय संयोजक भाजपा व्यापार मंडल, जवाहर कसौधर सदस्य व्यापारी कल्याण बोर्ड की गरिमामयी उपस्थिति रही। व्यापारिक दिवस आयोजन में भारी संख्या में व्यापार समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महेश वर्मा एवं बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। सम्मानित होने वालों में मुख्य रूप से मक्खनलाल गोयल, बलराम अग्रवाल, अमित टिबरेवाल, सीमा श्रीवास्तव, सुरेश समरानिया, अब्दुल मिराज खान, पवन जालान, राजू लोहारुका, शिव कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, सौरभ केड़िया, रामसेवक वर्मा, सिद्धार्थ गुप्ता, फैजान खान, आलोक मोदी, अमन अग्रवाल, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद रफीक खान, आनंद अग्रवाल, पवन, संजीव सुल्तानिया, इजहार खान, आशीष मधवेशिया आज व्यापारी वर्ग के लोगों की बड़ी उपस्थित रहे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुनील पाठक की रिपोर्ट। सर कहाँ आए हैं और किस संदर्भ में आए हैं? देखिए, इस साल हमारा बहुत ही बृहद वृक्षारोपण अभियान चला है और जिसका समापन 15 अगस्त को किया गया, जिसमें प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। उसी क्रम में जो है आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हम लोगों ने गीड़ा में IGL में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर मियावाकी पद्धति से लगभग 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। लगभग 20,000 से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, बचे हुए पौधे भी जल्दी लगा लिए जाएंगे। तो एक प्रांगण में इतने सारे पौधे लगाने का मतलब है कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारी मंशा है कि एकदम ग्रीन गोरखपुर बने और जो इंडस्ट्रियल एरिया खासतौर पर पूरा ग्रीन हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। तो इसके लिए मैं IGL के समस्त परिवार को, टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इसमें एक जो आगे हम ध्यान रखना है कि पौधे सब सर्वाइव करें और हमारा एक बढ़िया जंगल तैयार हो जाए। और मियावा की पद्धति जो कि अभी बहुत तेज़ी से चलन में आ रही है और उसका मेन मकसद यह है कि कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं और प्राकृतिक रूप में उनका विकास हो, उसी तरीके से हम लोगों ने पौधे लगाए हैं। और उम्मीद है कि अगले 1-2 सालों में यहाँ एक अच्छा जंगल हम लोगों को देखने को मिलेगा और बल्कि मैं कहूँगा कि 5 सालों में तो बहुत ही घना एक जंगल तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? आज इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड कंपनी में आज हमें इनवाइट किया गया है। इन्होंने एक बहुत ही वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया था जिसका शुभारंभ DM साहब के सौजन्य से हुआ था। आज इनका 25,000 पौधे लगाने का इनको टारगेट मिला था और उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस टारगेट को मेंटेन किया है। अपने प्रमिसिव में उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रखने के लिए और मेहमा जैसे JFO साहब का था कि इस पद्धति से उन्होंने पौधे लगवाए हैं और उसमें प्राकृतिक रूप से जैसे इन्होंने बताया कि पौधे और पशु और पक्षी भी उसमें सर्वाइव कर सकें, इस पद्धति का पालन करते हुए वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने पौधे लगवाए हैं और एक पर्यावरण को एक अच्छा रूप देने के का बहुत सफल प्रयास है IGL कंपनी का। इसके लिए मैं उनको और उनकी टीम को पूरा बहुत बधाई। मैम, देखा जा रहा है कि ये 25,000 जो पौधे लगाए जा रहे हैं सिर्फ IGL कंपनी के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री के लोग इस पर कोई पहल या कदम नहीं उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? उसमें उन लोगों को भी टारगेट मिला होगा तो हो सकता है कि वो आगे अपना उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा हो, लेकिन सबके पास ही टारगेट वृक्षारोपण का मिला हुआ है और उनको पूर्ण करना पड़ेगा इस टारगेट को। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना बसपा कार्यकर्ताओं को मिलते ही बसपाइयों में दौड़ी शोक की लहर। उनका पार्थिव शरीर हाथरस के बामौली उनके पैतृक गाँव लाया गया, जहाँ उनको मुखाग्नि दी गयी। पंचतत्व में विलीन हुए रामवीर उपाध्याय जनपद हाथरस में उनके अंतिम दर्शन करने को उमड़ा जनसमूह। जनपद मथुरा आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुजन समाज पार्टी में हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय जी, बता दें हम आज बड़ी खबर आ रही है हाथरस से कि वो हमारे बीच नहीं रहे और वो लंबे समय से बताया जा रहा है कि बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो चुका है। और वहीं बसपा कार्यकर्ताओं में जब ये सूचना मिली तो उनमें शोक की लहर दौड़ गई और समस्त राजनीतिक दलों में भी शोक की लहर है। तो वहीं बसपाइयों में एक आनंद फानंद में वहां हाथरस की ओर को लिए कार्यकर्तागढ़ बसपा के रवाना और रामवीर उपाध्याय का पार्थिव शरीर हाथरस के उनके पैतृक गाँव बामौली लाया गया, जहां पर उनको मुखाग्नि दी गई। रामवीर उपाध्याय जी हुए पंच तत्व में विलीन। इसी के मद्देनज़र हाथरस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रामवीर उपाध्याय जी का पार्थिव शरीर लाया गया और वहां पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों का उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा। और वहाँ पर जो भी सैलाब नजर आ रहा था, सभी की आंखों में बस यही था कि रामवीर उपाध्याय जी के हमको अंतिम दर्शन करने दीजिए और अब रामवीर उपाध्याय जी हमारे बीच नहीं रहे। हम भी उनको आज आरपीएस समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि रामवीर उपाध्याय जी जन जन के नायक थे, सभी दलों के मसीहा थे और जो है गरीब असहाय तबके के लोगों के मददगार भी थे। आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मंडी समिति परिसर में नियुक्त गार्ड के द्वारा खुलकर की जा रही अवैध वसूली, इसकी जानकारी मिलने पर पत्रकार असगर जी पहुंचे तो उनसे भी गार्ड ने की जमकर अभद्रता। मंडी समिति पर व्याप्त है भ्रष्टाचार, न ही मंडी सचिव और आला अधिकारियों का ध्यान। देखिए आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि आए वरिष्ठ रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आरती उतार कर श्री भागवत कथा का रसपान लिया। साथ ही कुंवर नरेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत समारोह किया गया। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।
नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अंशुल अग्रवाल को सामाजिक कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। अंशुल अग्रवाल ने महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सराहनीय कार्य किया। प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित, महिलाओं के लिए आगे ऐसे ही कार्य करती रहूंगी, यह कहना है अंशुल अग्रवाल का। आज ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित के नेतृत्व में दीक्षित इंश्योरेंस राजकीय मथुरा पर महिला युवा अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल को सामाजिक कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा कि समिति के साथ मिलकर अपने हुनर से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स कराने के साथ अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे महिलाओं को लाभ मिल सके। इन्हीं कार्य को मद्देनजर रखते हुए आज समिति के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। महानगर अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने कहा कि मैं हमेशा से ही महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। आज समिति ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर नरेंद्र दीक्षित, मनीष शर्मा, दीपक वर्मा, मनोज कुमार, पूजा वर्मा, पूनम शर्मा, भावना सिंह रहे शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।